أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين तो दोस्तान अभी जो जैसा कि आगा ने जिक्र किया हमारी जो आज की गुफ्तगू है उसका उन्वान जो है वो सेकुलर तरबियत का निजाम। तो सेकुलर से क्या ध्यान में आप क्या है सेक्युलर लिबरल अपनी जगह एक अलग माना है सेक्युलर अपनी जगह एक अलग माना है। सेक्युलर से क्या जहन में क्या तस्वीर आपके जब हमारे यहाँ सेक्युलर कहा जाता है किसी को या सेक्युलरिज्म कहा जाता है तो क्या चीज जहन में आप लोगों के एहसास और किसी के जहन में कोई और तरबियत नहीं अभी सिर्फ सेक्युलर का लफ्ज मालूम करना चाह रहा हूं कि लफ्ज सेक्युलर से आपके जहन में क्या चीज है जिस लफ्ज सुना हुआ है आप लोगों का या नहीं सुना हुआ पहले तो ये पूछना चाहिए था मुझे ठीक है ना। अगर सुना हुआ है सेक्युलर तो सेक्युलर के लफ्ज से जहन में क्या तस्वीर है क्या माना जहन में तो अगर कोई माना जहन में नहीं है तो जो बरादर ने तकरीबन तारीफ की या जो बात की है सेक्युलर की वो माना और मुराद तकरीबन यही है यानी क्या दीन और दुनिया में क्या चीज जुदाई। खूब दीन और दुनिया में जुदाई उसके मुकाबले पर इस्लाम क्या कहता है नहीं है एक एक जैसे कैसे हो सकते हैं क्या मसला। अब सवाल यहां से शुरू होता है कि अगर सेक्युलर से मुराद जो है वो हमने क्या लिया है दीन और दुनिया के अंदर जुदाई। जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो उनके पास अपने लाजमा तक कोई ना कोई दलीलें हैं अदिल्ला है ठीक है ना। सबसे पहले तो हम इस लफ्ज को देखेंगे ताकि हमारे लिए मामला क्लियर हो जाए। सेक्युलर से मुराद हमने क्या ली दीन और दुनिया में जुदाई ठीक है ना। खूब अब ये जो दीन और दुनिया की जुदाई है सवाल ये पैदा होता है यानी इस सेक्युलर इससे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनकी दलील क्या है सबसे बड़ी वो ये कहते हैं कि क्या आपको दीन मसलन हम ये कहते हैं मोबाइल बनाना सिखाता है क्या मसलन कुरान पढ़कर आप सर्जन बन सकते हैं क्या मसलन नहजुल बलागा पढ़ने के बाद आप मसलन इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं ठीक है ना। आप मसलन जो बहस है सारी वो क्या है साइंस प्रैक्टिकल साइंस या जिसको हमारे यहां तजुर्बाती साइंस कहते हैं जिसमें आपके पास मसलन हमारे पास इंजीनियरिंग है और मेडिकल है अब मजीद उसके इजाफा कंप्यूटर साइंसेस का हो गया। दूसरी तरफ ह्यूमन साइंसेस हैं जिसमें हमारे पास मसलन इकोनॉमिक्स है साइकोलॉजी है
ठीक है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह, फिलॉसफी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे। वो कहते हैं कि इसमें कहां पर मसल आपको दीन जो है वो कुछ जगहों पे तो शायद हमें नजर आता है कि ठीक है चलो दीन कुछ कर रहा है, बाकी कहां है दीन? खुद दीन को आप खुद ने तारीफ क्या किया है मसल, आप दीन के बारे में क्या कहते हैं जी? दीन के बारे में हमारा नजरिया ये है कि दीन मजमुआ है तीन चीजों का, अकायद, अहकाम और अखलाक। अब ये जो चीजें हैं ये इसमें कहां फिट आ रही हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है? मसलन आप तौहीद पढ़कर आप जो है वो फर्ज करें कि आपने तौहीद पढ़ ली तो आप तौहीद पढ़कर जो है वो पुल बना सकते हैं, नबूवत और इमामत पढ़ के घर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, तो सही कह रहे हो तो गलत ही कह रहे। कहां पर गलती कर जी? कौन चल रही है कहा, मतलब दुनिया में कौन सी आयत है जो बताती है कि दुनिया कैसे चल रही है? वो मारा जल पहरा लाई अंत यान, वो एक इतला थी उसने बता दी आपको, तो उसमें आयत में तो कहीं पे भी डेंसिटी का जिक्र नहीं है, वो तो आपको मालूमात है ना, एक मालूमात देती आपको, बाकी मालूमात आपने अगर आपके पास ये साइंस ये जो डेंसिटी की बात कर रहे हो या तो आपको साइंस ने बताई, यानी ये तो आपको कुरान ने बता दिया कि एक जगह पे दो दरिया है दो समंदर है, ला यल तक यार वो मिलते नहीं है, ठीक है, बरज़खुन बैनहुमा उनके दरमियान में एक बरज़ख है, एक पर्दा है, एक वो चीज है, अब वो कैसे नहीं मिलते क्यों नहीं मिलते ये कौन बताएगा आपको? आपको साइंस बता, तो फिर बताए तो सेक्युलर लोग जो है वो गलत तो नहीं कह रहे, वो सही तो कह रहे हैं। और फिर बात यह है कि बास जगहों पे आपका बिला फजूल की जो है बहुत सारी चीजें वो आपको जो है क्या नाम है सोचने भी नहीं देती है, तारीख आपकी भरी पड़ी थी। गलीलियो बेचारा जो है वो कह रहा था कि जमीन गोल है, चर्च वालों ने कहा खबरदार जो तूने का गोल है, अगर तूने का जमीन गोल है तो हम तेरा सर गोल कर देंगे। ये सिर्फ चर्च ने तो नहीं किया, ये तो आपके इस्लामिक उसमें भी है, आपके है साइंटिस्ट, उसका मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, शायद गालिब राजीद के साथ किया गया था, तो उसकी किसी बात को जो है वो मौलवियों ने कहा ये गलत कर रहे हैं कुरान के खिलाफ है, क्या सजा दी उसको? कहा कि इसकी जितनी लाइब्रेरी में किताबें हैं वो इसके सर पे मार मार के इतना मारो कि या इसका सर फट जाए या किताब फट जाए, सारी किताबें एक एक करके, आखिर में क्या हुआ बेचारा अंधा हो गया। इब्ने सीना को अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम रुपोशी में गुजारने पड़े, कई आपके जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा, तो फिर जो सेक्युलर कह रहे हैं बताए तो सही लग सकता, यानी हमारे पास पिछली तारीख के अंदर दीनी जो आपके मराकज थे या दीनी जो ताकत के मराकज थे उन्होंने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और तरक्की का मौलवियों ने जब स्पीकर आया तो फतवा दे दिया हराम, और आज सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल करता है। तो फिर तो इसका मतलब सेक्युलरिज्म बजाहिर गलत तो नहीं कह रहे आप, जो मसलन हर वक्त मसलन ही बात ये कि बातें बनाना तो बहुत आसान काम है ना, क्या कहा आपने सही है, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, उर्दू में क्या कहते हैं हमारे यहां
है, क्या कहते हैं, इस्लाम मुकम्मल मुकम्मल जाबते हयात है, आए हैं, मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, जोर से कहने से हो जाएगा, चीख कर कहने से हो जाएगा, दो दफा कहने से हो जाएगा, तो कहा है। मगर इस्लाम आपको जो है वो टेलीस्कोप बनाना सिखाता है, तो कहा है, हाँ जी, तो फिर गलत कह रहे हैं क्या सेक्युलर वाले जो लोग हैं, वो गलत कह रहे हैं क्या? दुनिया को उन्होंने बेचारों ने कहा ये कहा, वो कह रहे हैं आप मजहब देखें, आपको वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका ये जो सेट है ये आप रखें, हम आपको मना कब कर रहे हैं, आप नमाज पढ़े अपने घर में पढ़े और आप अपनी नमाज से ताल्लुक रखें, आपको दूसरे की नमाज से क्या मसला है, आपको अपनी वजू ठीक करना आप करें, नहीं करना मत करें, मेरे उससे क्या ताल्लुक है, आपका अखलाक आपने अपना अच्छा रखना रखे, मैं जैसा भी, ये तो खैर आपने कहा ना, अभी आपका नजर है, हम तो कह रहे हैं हर चीज इंसान ने बनाई है, इंसान खुद ब खुद बना है क्या, फंडामेंटल बता रहे थे, कौन सा स्ट्रक्चर बता रहे दीन, मसलन बताओ तुम्हें क्या बता रहे दीन तुम्हें, कौन सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर बता रहे बताओ, अच्छा मुझे भी मेरी भी मालूमात में इजाफा हो जाएगा थोड़ा सा, चलो ठीक है भाई, आप थ्योरी मानते रहो मानते रहो, मेरे पर क्यों इम्पोज कर रहे हो, हमने कब मना किया कि आप नेजुल बलागा मत पढ़ो, पढ़ो शौक से पढ़ो, हमें क्यों पढ़वा रहे, हमारे हिसाब से तो बिग बैंग हुआ था, पूरी पूरी जानवरों की नस्लें एक्सटिंक्ट हो गई, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, तुम्हें क्या हुआ, ये तुम कह रहे हो ना, वो साइंस भी यही कह रही है, तो उसमें क्या मसला है, ये जो तुमने फायदे नुकसान की बात निकाली है तो साइंस ने तो तुम्हें बताई है, उन्होंने तुम्हें क्या पता था, हाँ भाई सब सेकुलर हो जाते हैं मिलके हम लोग, लिहाजा ये मुश्किल कहां पैदा होती है, ये मुश्किल वहां से शुरू होती है जहां पर हम दीन को बगैर समझे फॉलो कर रहे होते हैं, हमें किसी ने कह दिया इस्लाम मुकम्मल जाबता हयात है, हमने रट्टा लगा लिया इस्लाम मुकम्मल जाबता हयात है, अब है नहीं है, कैसे साबित होगा कैसे नहीं होगा, इससे हमें गरज नहीं है, अम्मी अब्बू ने बता दिया अल्लाह एक है, वो हमें अल्लाह एक है बस, तो क्यों अल्लाह एक है ये नहीं पता, तो आपका क्या ख्याल है कब्र में जब मसलन फर्ज करो मुनकिन नकीर दुर्रे लेकर आएंगे हाथ में, पूछेंगे हाँ भाई अल्लाह एक क्यों है, पाप हो गया अम्मी ने बताया था, तो कहेगा चलो पास है, अम्मी का बताया हुआ, अब्बू का बताया हुआ, मौलाना साहब का बताया हुआ, इनमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा, अब अगर आपने ये भी कह दिया कि मुझे रसूल अल्लाह ने बताया था कि अल्लाह एक है, तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा, अल्लाह एक की आपके अपने पास दलील होनी चाहिए, अल्लाह एक की,
लिहाजा हम चूंकि दीन को बेसिकली ब्लाइंड फेथ के साथ, अब ब्लाइंड फेथ कहीं पर भी हो चाहे वो दीन के अंदर हो चाहे बाहर हो वो गलत। सेक्युलरिज्म जो बात करता है, हम सेक्युलर से क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो आप बातें कर रहे हैं कि मसलन जो है वो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और मेडिकल और फला फला, इसका दीन से क्या ताल्लुक है? तो दीन का जो इससे ताल्लुक है वो वहां नजर नहीं आएगा जहां पर आप पूछ रहे हैं। कहां नजर आएगा वो हम आपको बताते हैं अभी, कहां नजर आएगा, क्या ताल्लुक है दीन का तमाम चीजों से, ठीक है? दीन का ताल्लुक कैसे जाहिर होगा या दीन कहां पर आता है? तो पहले तो कुछ हम चीजें सेट करें, मतलब कुछ सवाल जो उठे हैं जहां से मसाइल पैदा हुए हैं उसको सॉल्व करें। वो मसाइल कहां से उठे? मसाइल हमारे पास उठे, उन्होंने कहा भाई आपके दीनदार लोगों ने इतना किया, तो दीनदार अगर फर्ज करो कोई इसी तरह से आपका कोई अगर गलती करेगा तो आप अपने उस सिस्टम में गलती मानोगे उसे? आप बोलोगे भाई एक बंदा था उससे गलती हो गई। अगर फर्ज करें कि कोई शख्स किसी चीज को, मसलन मैं गाड़ी जो है ना वो लेकर उसको जो है वो मेन रोड पे उल्टा चलाना शुरू कर दूं मसलन, तो आप कहेंगे गाड़ी का कलर खराब है, है? आप कहेंगे गाड़ी खराब है कि भाई ये तो गाड़ी तो रोड पे उल्टी चलती है। बाबा गाड़ी ना उल्टी चलती है ना सीधी चलती है, चलाने वाले का मसला है, ठीक है ना? अब चलाने वाला सीधा चलाएगा सीधी चलेगी, उल्टी चलाएगा उल्टी चलाएगा, ये थोड़ी होगा कि अगर मैं गाड़ी को रॉन्ग साइड पे लेके चला रहा हूं तो आप गाड़ी की जो है ना वो कंपनी बंद कर दे जाके, क्योंकि तो आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड पे जा रही थी। वो कहेगा बाबा ड्राइवर को अंदर करो, गाड़ी बंद नहीं। सेक्युलर लोग जो दीन के ऊपर एतराज करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही एतराज है। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान ने रिवायात में उन्होंने कहां पर इसकी मुखालफत की जो आप ये कह रहे हो, बल्कि बिलक्स है, दीन तो तालीम हासिल करने को, दीन तो दुनिया को एक्सप्लोर करने, कुरान भरा पड़ा हुआ है अफला यतदब्बरून से, अफला ताकिलून से, अफला यतफक्करून से, तो बिल्कुल बिलक्स है, दीन तो आपको और ज्यादा क्या शौक दिला रहा है। खूब, अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो आपने साइंस, साइंस का मसला क्या है? साइंस इज रिलेटेड टू मैटर एंड उसकी प्रॉपर्टीज, इनसे डिस्कस करता है, ठीक है? अब दीन मैटर और प्रॉपर्टीज के बारे में आके आपको नहीं बताएगा, दीन का काम भी नहीं है ये, दीन क्यों बताया आपको? आप व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग दीन से कि आपको आके वो ये बताएगा कि मैटर क्या है? हाँ, कुरान नहजुल बलागा रिवायात वो आपको बात चीजों की तरफ तवज्जो दिलाएंगे, अल्लाह ताला आपको तवज्जो दिलाता है, कहता है गौर करो जमीन के अंदर, गौर करो आसमान के ऊपर, उन्हें गौर कर रहे हैं कि ये आसमान बगैर जो है वो सुतूनों के कैसे खड़ा हुआ है। ये सारी की सारी जो दीन आपको और मुझे तवज्जो दिला रहा है, अगर अल्लाह ताला ने ही सारी मालूमात, हाँ मोबाइल अल्लाह ताला ने आसमान से ही नाजिल करना था तो मुझे और आपको उसको अकल देने की क्या जरूरत थी फिर? समझा रही बात आपको? बस बात क्या है कि अब मसला कहां से शुरू होता है? मसला इससे नहीं होता कि दीन जो है वो मोबाइल बना के दे सकता है या नहीं दे सकता, या फलाना कर सकता है या नहीं कर सकता। ये जो आपने एतराज किया तो ये एतराज तो हम और जगहों पे भी कर सकते हैं। मसला क्या डॉक्टर बना सकता है मोबाइल? नहीं बना सकता, तो डॉक्टरों को मार दें, छुट्टी कर दें। क्या इंजीनियर जो है वो सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता, तो इंजीनियरिंग बंद कर दें, नहीं कर सकता। हर एक की अपनी एक स्पेशलाइज फील्ड है। जो चीज आकर फंसती है या मसला पैदा करती है, जैसे हमारे बरादर ने बात की, बात सही कह रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि फंडामेंटल की जब आप बात करते हैं तो फंडामेंटल की जगह कहां है? फंडामेंटल की जगह ये, आप जब ये कहते हैं कि सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब आप जो ने कहा कि दीन और दुनिया के अंदर जुदाई, इसका माना क्या है? इसका माना यह है, आप बुनियादी तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं? आप बुनियादी तौर पर कहना यह चाहते हैं कि ह्यूमन जो है वही सब कुछ है, इंसान ही सब कुछ है, जबकि उसके मुकाबले पर दीन क्या कह रहा है? दीन कह रहा है सब कुछ कौन है? अल्लाह है। डिफरेंस फंडामेंटल शुरू होता है वो यहां से होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो अल्लाह है ये आपको आपकी साइंटिफिक डिस्कवरी से रोक रहा है? कहीं नहीं रोकता। अगर कुछ अहमक और दीवाने कोई ऊपर डांग हरकत करें तो वो क्या अल्लाह की हरकत कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो दीन तो आपको बजाय इनकरेज कर रहा है। फिर दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला कि आपने जब अपनी सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट कर ली, नतीजा क्या निकला? आज आप
पिछले 500 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं इंसानों के ऊपर, उसका नतीजा क्या निकला? आपने दुनिया में दो जंगे अजीम करवा दी। आप दुनिया में इस वक्त जो है जितने भी इस वक्त दुनिया में जराइम है, ड्रग्स आपने शुरू की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने शुरू की, स्मगलिंग आप करवा रहे हैं, हाँ लोगों का इस्तेहसाल आप कर रहे हैं, लूटमार आपने मचाई हुई है, करप्शन आप फैला रहे हैं। कौन है ये सारा, कौन कर रहा है, कहां से आ रही है? क्या दीनदार कर रहे हैं? दीनदार बेचारे हाँ अपनी जगह, वो तो करप्ट निजाम में करप्ट लोग कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया में इस वक्त जो है वो सबसे खौफनाक, जिनको वेस्ट को हम बहुत अच्छा समझते हैं कि जी ये बड़ा दीन है, कहते हैं जी बड़े अदालत पसंद। मेरे एक दोस्त का फोन आया मुझे, ईरान में था मैं उन दिनों में, तो मुझसे कहने लगे अरे यार शाह साहब आप कहाँ बैठे हुए हो यार, हाँ ना आप लोगों को कोई फैसिलिटी है, ना आपके साथ यूं हो ना फला, इधर आकर देखो यहाँ पे देखो जी यूरोपियन यहाँ उलमा को कितने जनाब फैसिलिटी देते हैं, कितना इनको पैसा देते हैं, इल्म दोस्त हैं ये लोग, और इधर अदालत, और पता नहीं एक आधा घंटा तक उनके फजाइल मनाकिब सुनाता रहा मुझे। मैंने उससे सवाल क्या किया, मैंने कहा देखो भाई कहा बताओ भैया कि चोर जो होते हैं ना, चोर है वो जो चोरी का माल है वो बड़ी अदालत के साथ आपस में तकसीम करते हैं, ऐसे ही है? चोर क्या करते हैं, चोरी का माल बहुत ही आदिलाना अंदाज से तकसीम करते हैं। तो क्या चोरों की जो अदालत है ये पसंदीदा अदालत है? है? क्यों नहीं है पसंदीदा, क्यों नहीं पसंदीदा? ओ बाबा तुम इतने ही अगर आदिल हो तो तुम्हें पीछे अदालत वो भी तो करनी चाहिए, तो तुमने लोगों का माल लूटा है वो अदालत है? किसी का माल गश्त करके, किसी को तकलीफ पहुंचा के, चोरी करके और फिर आपस में अदालत करना, ये अदालत नहीं कहलाती। मैंने कहा ये जिन लोगों के आप कसीदे पढ़ रहे हैं ये अगर इतने ही अदालत खां है तो पूरे यूरोप में, पूरे अफ्रीका में जो इन्होंने इस्तेहसाली निजाम अपना बनाया हुआ है, उनकी जायदाद लूट रहे हैं, उनके पैसे लूट रहे हैं, उनका सबको लूट खसूट के अपने बच्चों को ताजा ताजा गजाएं फैला के उनको पाल रहे पोस रहे हैं, हाँ अफ्रीकी बच्चे के मुंह से निवाला खींचकर अपने बच्चे को जो है वो खिलाना, ये इंसाफ है? मैंने कहा तुमने हमें कहा जी हम चोर हैं, हम झूठे हैं, हम पता नहीं निकम्मे हैं, हम पता नहीं ढिकम्मे हैं। मैंने कहा सारी बुराइयां हमारे अंदर है, मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं सारी बुराइयां हमारे अंदर है, लेकिन हमने किसी गरीब के मुंह से निवाला नहीं छीना है, हमने किसी मुस्तहक का माल नहीं मारा है, हम बुरे जरूर हैं, हमारी बुराई के पीछे कौन है जो सब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो मुदाखलतें कर रहे हैं? आईएमएफ, मैंने कहा कौन है तुम्हारा, है कहां से आया आईएमएफ, किसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन किसकी पुष्पनाई कर रहे हैं? इस वक्त आपकी दुनिया की जितनी बड़ी अदालत है, इस वक्त जितना भी दुनिया का निजाम है, कहां लेके जा रहा है आपको? इसी से क्यों क्यों आपकी साइंस का नतीजा ये निकल रहा है कि जी कोई मां बाप नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, हाँ जानवरों की तरह जिंदगी गुजारो। तो जो साइंस आपको जानवर बना रही है, जो साइंस आपके अंदर से इखलाकी कदरों को खत्म करे, क्यों कर रही है? सवाल यहां से शुरू होता है। हम ये कहते हैं कि ये जो आपने एक साइंस और मोबाइल और पता नहीं क्या क्या, हाँ ये हमें चीजें दिखाकर ले जाना कहां चाहते हो आप हमें? हमें बहस आपकी साइंटिफिक तरक्की से नहीं है, हमें बहस कहां पर है कि जहां पर आप आके कहते हो सब कुछ इंसान है खुदा नहीं। अगर आप इंसान को बता तो हम थोड़ी सी बिल्कुल आपसे बहस करने के लिए तैयार, कुछ देर के लिए आप कायनात में से खुदा निकाल दो कि अगर खुदा नहीं है कायनात में, कोई इंसान से पूछने वाला नहीं है, तो पहला सवाल यह पैदा होता है कि मैं किसी की तात क्यों करूं, मैं किसी के लिए कुर्बानी क्यों दूं? तो इस हो क्या रहा है, जो सेक्युलर निजाम के असल हामी है वो मुझे और आपको आजादी की एक लॉलीपॉप मुंह में रख के बुनियादी तौर पे क्या करें, अपना गुलाम बना, आजादी का एक धोखा दे के बुनियादी तौर पे हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो बात यह कि अगर आप दीन की कुरान की, मसलन एक अहमक आपने नाम सुना होगा उसका भी पिछले दिनों इंडिया में, हाँ उसने कहा जी कुरान में 26 आयतें और पता नहीं फलाने ने घुसा दी, फलाने ने घुसा दी, हाँ तुम्हारे अब्बा वहां बैठे हुए थे जब वो कुरान में घुसा रहा था, किसने तुम्हें बताया कि कुरान में ये, तुम जो ये दावा कर रहे हो तुम्हारे पास कोई तारीखी उसके पास सबूत है?
बिला सबूत के आके तुमने आके ये कहना शुरू कर दिया। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि जब तुम कुरान में तहरीफ की बात कर रहे होते हो और दूसरी तरफ से तुम अपने आप को शिया कह रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपने ही आइम्मा पर ये तोहमत लगा रहे हो कि उनके सामने कुरान तहरीफ हो रहा था और उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। तो फिर इमाम हुसैन ने करबला में क्यों कुर्बानी दी? ये काम तो इमाम अली को करना चाहिए था, इमाम हसन को करना चाहिए था। तुम्हें यह अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम अपने आप को जो दूसरी तरफ ऐलान तो शिया होने का कर रहे हो ना अपने। दूसरी बात ये कि कुरान ने जिन लोगों को मारने का कहा है वो कौन है? खुद दहशतगर्द है। कुरान मसलन फर्ज करो इंडिया के या पाकिस्तान के, दुनिया के किसी भी आईन में अगर ये कहा जाए कि भाई चोरों को अंदर बंद कर दो, कातिलों को और क्या नाम है दहशतगर्दों को जो है वो सजाए मौत दे दो, तो मैं आकर कहूं कि मैं कहूं ये कानून जालिमाना है, ये कुछ इंसानों को मारने की बात कर रहा है। तो बाबा ये कुछ इंसानों को बात मारने की बात नहीं कर रहा है, ये उन इंसानों की मारने की बात कर रहा है जो इंसानियत के लिए खतरा है। कुरान में जिन आयात को आपने मसलन कहा, अब ये क्या, ये है गलत तफसीर करना किसी का। मसलन क्या दुनिया, यही जो सेकुलर लोग हैं, क्या आप अपने निजाम के मुखालिफिन के साथ सख्त रवैया अख्तियार नहीं करते? हाँ, आपकी बात जो झूठलाए तो आप उसको फौरन काफिर कह दो, और जो दीन किसी को काफिर कहे तो आपको जी शिद्दत पसंद। आपकी बात हम ना माने तो हम गलत, लेकिन आप हमारी बात ना माने तो हमें इजाजत नहीं है कि हम आपको गलत कह सकें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? सुरगुई है। हमारे यहां दूसरे अल्फाज में क्या कहा जाता है? बदमाशी है। सवाल, बच्चे अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि बाबा दीन इतना परफेक्ट है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं दीन की हुकूमत नहीं है। दीन बज़ाहिर कामयाब होता हुआ नजर नहीं आता। दो वजूहात। पहली वजह क्या है कि हमारे यहां अक्सरियत ब्लाइंड फेथ वालों के, जिनको दीन समझ में नहीं आया है। तो शिया क्यों है? इससे शिया घर में पैदा हुआ है। मुसलमान क्यों? मुसलमान घर में पैदा हुआ है। इससे आगे का दीन नहीं है। तो ये जो कैटेगरी होती है जो कभी भी अपने ही अकायद पे सवाल नहीं कर रही होती, तो मोमिन नहीं है। जिसने भी अपने अकायद को अंडर क्वेश्चन करके कभी उसको सही माना में हल नहीं किया है वो मोमिन नहीं है। हमारा और आपके ख्याल से मैं अपना नाम मोमिन रख लूं तो मैं मोमिन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जब मैं तुम्हें आजमाऊंगा और तुम जब आजमाइश में सच्चे साबित होगे तो फिर तुम मोमिन हो। सूरह अनकबूत की दूसरी और तीसरी आयत आकर पढ़ लीजिएगा। खुदा क्या कहता है? हादसे बन्ना से युद्ध रखो या कुल आमन वह हमला युद्ध करूं। क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है, यह सोच कर रखा हुआ है कि ये मुंह से कहेंगे आमन्ना तो हम मान लेंगे, छोड़ देंगे? जब तक आजमाएंगे नहीं और अल्लाह को मालूम नहीं होगा सच्चा कौन है झूठा कौन है तब तक। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि दीन हमें इन तमाम चीजों के जरिए से क्या समझाता है? बाउंड्री लगाता है। जबकि आप जैसे ही अपने आप को सेक्युलर कहते हो आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आपके लिए हुकूमत हासिल करना, दौलत हासिल करना, इन तमाम चीजों के लिए झूठ बोलना, फरेब देना, ये सब आपके लिए जायज है। अब क्या हो रहा है? इसी सेक्युलर नजर का नतीजा क्या निकल रहा है? अब दुनिया में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लोग नहीं है, वो लोग भी हैं जो एक तरफ हराम चीजों का कारोबार कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। जबकि कुरान क्या कहता है? नमाज क्या है? तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अगर नमाज आपको फहशा और मुनकरात से नहीं रोक रही तो असल नमाज नहीं है। इधर शराब की दुकान खोली हुई है वहां नमाज पढ़ रहे हैं, इधर हीरोइन का कारोबार कर रहे हैं वहां नमाज पढ़ रहे हैं, इधर हराम मुर्गियां मुर्दा मुर्गियां बेच रहे हैं उधर जो है नमाज पढ़ रहे हैं। यही जो सेकल, अब मुश्किल कहां पर होती है? आप जब खुदा को और उसको दरमियान से निकाल देते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट ही सब कुछ बन जाता है। आपकी इक्तिसाद क्या समझा रही है? फिर आपकी इक्तिसाद समझा रही है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो चाहे जो मर्जी हो, ना कोई अखलाकियात। प्रोड्यूसर के लिए कोई अखलाकियात नहीं है, वो लोगों को हराम बेचे। अभी सब क्या हो रहा है दुनिया में? कंपनी वैक्सीन बनाकर भेज देगी, हजारों लोग मर जाए। अब कानून क्या रहा है कि अगर किसी वैक्सीन से कोई मर गया तो एतराज नहीं कर सकते, यानी क्या? लिहाजा सेक्युलरिज्म का नतीजा क्या निकलता है? पहले एक फिरौन था, अब हजारों की तादाद में फिरौन है, हर कंपनी फिरौन, हर इदारा फिरौन। जो इदारा अपने आप को ये कहे कि मुझसे कोई सवाल ना करे वो फिरौन है।
फिरौन क्या कहता अना रब्बुकुम अला, फिरौन क्या कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। रब का माना क्या है? रब का माना ये जिससे सवाल ना किया जा सकता, अल्लाह से कोई सवाल नहीं हो सकता। अब ये हमारा मसला है, हम अल्लाह को अल्लाह समझे बगैर जब अल्लाह नहीं समझते, अम्मी और अब्बू का जो अल्लाह होता है उसको बेचारे को हम हर वक्त खींचते रहते हैं, मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ फला क्यों किया, मुझे यूं क्यों कर दिया, नहीं मिला था, तुम्हारी औकात क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ कुछ करे। अगर आप गर्दन घुमा के उस तरफ देखो, अल्लाह ताला तुम्हें नाबीना कर देता तो कर सकते थे सवाल है? अल्लाह ताला तुम्हें किसी नाचने वाले के घर में पैदा कर देता तो सवाल कर सकते थे अल्लाह ताला से? कि भंगी के घर पैदा कर देता तो सवाल कर सकते थे अल्लाह से? हम माजूर पैदा कर देता सवाल कर सकते थे अल्लाह से? जब हमारे हां अब मुश्किल है। अब क्या इस वक्त जो मैं और आप यही अल्लाह ताला से लड़ते झगड़ते हैं, ये इसी सेक्युलर तरबियत का नतीजा। जब दीन और उसको खत्म कर देते हैं, अल्लाह ताला सिर्फ क्या रह गया, एक शोपीस के तौर पे, तो कुछ समझ में ना आया उससे लड़ाई करने पहुंचो जो कोई मुश्किल हल ना हो रही हो तो उसको ब्लेम करना शुरू कर दो। अगर अब दीनी तरबियत उसके मुकाबले पर क्या होती है, दीनी तरबियत कि जो तरबियत, अब अगर हमारा, अब क्या फर्क है सेक्युलर डॉक्टर में और दीनी डॉक्टर में? सेक्युलर डॉक्टर में और दीनी डॉक्टर में फर्क ये होता है कि सेक्युलर डॉक्टर को देखता हुआ ये मरीज के पास पैसा नहीं है, हाथ काट दो। क्यों भाई, मैं क्यों अपना नुकसान करूं, ये गरीब आदमी है, पैसा नहीं दे सकता था, मैंने इसकी जान बचाने का बेहतरीन रास्ता बताया, हाथ काट दो, पांव काट दो। क्यों? इसलिए कि कोई अखलाकियात नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप फिर जो आगे चल के अपनी अखलाकी बुनियादें किसी चीज पर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो बिना क्या होगी? दे सकते हैं आप बिना? कोई आपके पास बिना नहीं है कोई, जिसको आप अखलाकियात कह रहे हो या वो अव्वल मजबूरी है या चोरों की अदालत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लिहाजा वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आपको थोड़ी बहुत अदालत या हमें बाहर कुछ चीजें नजर आती हैं वो इन दो चीजों से खाली नहीं है, या क्या है उनकी मजबूरी है या चोरों की अदालत की मानंद है, वहां से माल लूटो अपने दरमियान में मुंसिफाना तरीके से खाओ, मजबूरी है। लिहाजा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लाइटें जाती रहती हैं। कभी आपने सुना कि भाई लाइट चली गई इम्तियाज में इतनी चीजें चोरी हो गई? लेकिन आप जाए आपको अखबार में मिला अमरीका कैनेडा यूरोप कुछ दिन के लिए लाइट जाती है, पता नहीं कितने कत्ल हो जाते हैं, कितनी नामोस पर तजावज हो जाती है, हैरत की बात है ना, हैरत की बात है। एक तरफ आप सेक्युलरिज्म का तर्जुमा क्या करते हो, आपका काम आपके साथ, मेरा काम मेरे साथ, तो फिर आपको बापर्दा खवातीन से क्या तकलीफ हो रही है? भाई जब आप ये कह रहे हैं, आपका निजाम ये कहता है कि तुम अपने रास्ते चलो मैं अपने रास्ते चलो, तो आप हमारे रास्ते में क्यों टांगे अड़ा रहे हो फिर? जब आप कहते हो दीन मेरे ऊपर इंपोज ना करो, तो फिर आपको ये किसने दिया कि आप सेक्युलरिज्म हमारे ऊपर इंपोज करें? लिहाजा से जाने मत, अगर हमने दीनी बुनियाद पर दीनी तरबियत को मुहकम करना है, असल चीज क्या है? असल चीज यह है कि हमें दीन की जो असल बुनियाद है, जो दीन के असल उसूल है, वो जब तक हमें सही माना में समझ में नहीं आएंगे तब तक हम इस फर्क को महसूस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ से आप जो साइंस को ओन कर रहे हो कि जी हमने ये तरक्की कर ली, हमने वो तरक्की कर ली, इसके अगर आप पीछे जाओगे तो इत्तेफाकन दुनिया में सारी साइंटिफिक तरक्की के पीछे, मॉडर्न तरक्की के पीछे मुसलमान और मुतदय्यन अफराद हैं, और दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई है सारी की सारी टेक्नोलॉजीज अंबिया के जरिए से है। आपका अपना क्या है, आप अपना क्या लेकर आए हो? और फिर आप जो कहते हो कि फर्ज करो कि दीन ने इसका रास्ता रोका फलान उसका, मगर आपने नहीं रोका, मगर इस वक्त जो मतलब फर्ज करें कि पेट्रोल माफिया है वो क्यों बैटरी से चलने वाली गाड़ियां नहीं आने दे रहा, सोलर गाड़ियां? मैं जब खुद सातवीं आठवीं क्लास में था उस वक्त मैंने पढ़ा था कि जी इंजीनियर्स ने जो है ना वो सोलर सिस्टम से चलने वाली गाड़ी बना दी है। अगर आज से तकरीबन 30 साल पहले, आज से जो है वो 32 साल पहले सोलर सिस्टम से चलने वाली गाड़ी कम से कम आइडिया और गाड़ी अगर बन चुकी थी तो आज कहां होनी चाहिए थी? उसूलन आज सारी दुनिया में
सोलर सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां थी, क्यों नहीं आई? इसलिए कि माफिया पीछे, अगर आपने ऐसी गाड़ियां बना दी पेट्रोल खत्म, तो पेट्रोल माफिया क्या कर रहा है, वो नहीं आने देता। इस तरह से आप आज जरा चौक पे खड़े होकर ऐलान कर दें कि मुझे कैंसर का इलाज मालूम हो गया, अगले दिन आप गायब हो जाएंगे, तो ये कौन कर रहा है फिर? ये मुसलमान कर रहे हैं, ये दीन कर रहे हैं? आपने जितना दुनिया में जुल्म इस्तेदाद फैलाया है तारीख में इतना कभी नहीं आया। बस ये जो हमें झूठी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, झूठे तरक्की के वो दिखाए जाते हैं, ये सारे के सारे दीन कहीं पर भी ना तरक्की के मुखालिफ है, ना साइंस के मुखालिफ है। फिर फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जब आप सेक्युलर माइंड के साथ एटॉमिक एनर्जी को दरियाफ्त करते हैं तो आप बम बनाते हैं, लेकिन अगर दीनी और इस्लामी नजर से हो तो वही एनर्जी किसके लिए इस्तेमाल होती है? इंसान की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होती है। लिहाजा इस्लाम ने एक ऐसा कानून दिया है कि अगर आज भी सेक्युलर और लिबरल और पता नहीं क्या, इन सबको उठा के रद्दी की टोकरी में डालें, एक कानून इस्लाम का अगर वो दुनिया में जारी हो जाए तो बहुत सारे नुकसान से हम खुद ब खुद बच सकते हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला जरर वला जरार, ना नुकसान उठाओ ना नुकसान पहुंचाओ। ऐसा बेहतरीन कानून है कि अगर सिर्फ इस एक कानून को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ना दुनिया में पोल्यूशन होगी, ना दुनिया में मैनिपुलेशन होगी, ना दुनिया में स्मगलिंग होगी, ना दुनिया में चोरी होगी। सिर्फ एक कानून अगर इंप्लीमेंट हो, हाँ फैक्ट्री वाले को इजाजत नहीं होगी कि आप अपने मुनाफे के लिए एनवायरमेंट को पोल्यूट करें, आपको इजाजत नहीं होगी आप पानी को पोल्यूट करें। हाँ कागज बनाने वाले को इजाजत नहीं होगी कि आप दरख्त काटे मगर उगाए नहीं, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बचाने के लिए। लिहाजा सेक्युलर दुनिया का नतीजा इस दुनिया सिर्फ तबाही की तरफ जा रही है वाहिद, और हम इद्दा नहीं करते, हम साबित भी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की शक्ल में अब दीन की जो कामयाब सूरत हाल है वो दुनिया के सामने साबित भी हो रही है। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सेक्युलर उसकी है ना, बात यह है कि पिछले 500 साल से या 600 साल से दुनिया सेक्युलर ताकतों के हाथ में। इस वक्त हमारा पूरा तालीमी निजाम, हमारा सारा माशरती निजाम सेक्युलर बेसिस पर, ये जो हमारे अंदर मफाद परस्ती पैदा हुई है कि सेक्युलर सिस्टम है। आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो आपका तालीमी निजाम क्या चाहता है? क्यों आप बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो? इसलिए पैसा चाहिए आपको। आप अपने बच्चे को कभी भी पूरे करियर में कहीं समझाते हो कि बेटे इमाम की किसी हदीस के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है, बेटे आप जो है वो इस इमाम के सिपाही बनने के लिए फला काम कर बनाएंगे? तालीम इल्जाम में कहीं है नहीं है। लिहाजा ये जो कुछ फर्ज करें इस वक्त हमारे अंदर ये भी है, अगर हमारे अंदर फर्ज करें कि कोई भी किस्म के इस वक्त खराबी नजर आ रही है वो किस वजह से? इसी सेक्युलर सिस्टम की वजह से, और जरूरत इस वक्त इसी वजह से दीनी तालीम और तरबियत की जरूरत क्यों है? क्योंकि दीन आपको अगर बचपन से ये सिखाएगा कि बेटे तुम अल्लाह के सामने जवाब दे, हाँ अल्लाह के अजाब के खौफ से आपको डराएगा, आपको बताएगा कि एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसके तहत आपको जवाब देना है। हाँ अब दुनिया ये भी साबित कर चुकी है, उन्होंने कहा कि जी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हाँ एक ऐसी एंटिटी का तसव्वुर जरूरी है कि जो आप पर हाजिर और नाजिर है, आप पहुंच चुके हैं यहां तक, लेकिन इस सब कुछ को मानने के बावजूद आप खुदा को नहीं मानते। पहले मैंने अर्ज कर दिया आपको, अगर हम अभी भी किसी भी स्टेज पर जब तक हम अपने अकायद को अपनी चीजों को अंडर क्वेश्चन ला के उनकी असल हकीकत को जब पता, क्या मैं क्यों ब्लाइंडली मानूं जब तक मेरे पास दलील नहीं है? दोनों तरफ एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। एक तरफ क्या है कि दलील के आने के बावजूद भी ना माने, ये भी इस तरह के लोग, उनको दलील दो तो वो दलील बिलावजह नहीं मानते, ये भी नहीं होना चाहिए इंसान। यानी आपको लॉजिकल बनने का मतलब ये थोड़ी कि आप हर दलील को रद्द कर दें अफरात और तफरीत से बच के, जो दलील है आप जिसको तस्लीम करिए माने, और उसी से आप खुदा कयामत इमामत नबूवत सबके दिल आपके लिए पैदा करें।
जब आपने दलील के जरिए से माना हुआ होगा तो खुद ब खुद आपके अंदर उसके ऊपर जो अमल की कैफियत है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। साथ साथ हमें जरूरी क्या है कि हम दीन को समझकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। जहां आप ये करना शुरू कर देंगे उसके सामने का जो मरहला है वो खुद ब खुद कंट्रोल। तीसरा मरहला ये है कि हम अपने तालीमी निजाम को हम चाहें हम डिमांड करें, हमारी तरफ से डिमांड होनी चाहिए कि हमारा पूरा हक है। तो जब हम अपने तालीमी निजाम को मसलन आपकी सोसाइटी के अंदर एक कोई फर्ज करें कि स्कूल जो है वो सेक्युलर सिस्टम पे चल रहा है और आप भी हंसी खुशी अपने बच्चे जमा कराते जा रहे हैं कि भाई यहां चलो जी मुफ्त मिल रहा है। हाँ, ये मसला क्या है? अगर मैं आपके क्या नाम है मोहल्ले में आके मुफ्त जहर तकसीम करना शुरू कर दूं तो आप लाइन बना के लेंगे? क्यों? इसलिए कि उस जहर का असर आपको नजर आ रहा है और वो जो आप फिक्री और इतकादी जहर अपने बच्चों को फ्री में पहुंचा रहे हैं बल्कि पैसे खरीद के पहुंचा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। कोई और सवाल? अव्वल तो किताबें हैं, दूसरी बात यह कि आप अपने हर अकीदे को एक दफा अंडर क्वेश्चन तो लेकर आए कि मैं इसको क्यों मान रहा हूं। अगर आपके पास दलील नहीं है तो दलील तलाश करें। मसाइल ज्यादा नहीं है जिस, अब ये तो बात है सारी कि जिस दिन आप वाकई अल्लाह पे तवक्कुल कर देंगे, अल्लाह की जात को अपने नफा नुकसान का मालिक समझना शुरू कर देंगे, आपके मसाइल भी हल होना शुरू करेंगे। देखिए याद रखिएगा जितना कुछ भी है ना वो हमारे दरमियान से निकलता है, ठीक है? हम खुद जैसे होंगे वैसे लोग अल्लाह हमारे पर मुसल्लत करेंगे। आपकी अगर अगलब आपकी अक्सरियत जो है वो मुतदयन हो जाएगी आपके ऊपर खुद ब खुद मुतदयन लोग आते फंस के आपके ऊपर नहीं आ रहे, आप फिर भी जो है वो क्या नाम है बेदीनों को जाके जो है ना वो वोट दे रहे हैं, ठीक है ना? आप ही इन लोगों की हुकूमत को अपने ऊपर अगर मान रहे हैं तो उसमें दीन का क्या कसूर है? اللهم صل على بہت ممنون و مشکور ہیں ہارا صاحب کے کہ وہ تشریف لائے اور جو ہے وہ انہوں نے خطاب کیا اور تربیت سیکولر